आपसे सवाल है असीम वकार, आपने कहा ट्रिपल तलाक के मुद्दे में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी साथ आ जाती, तो क्या कोई ऐसा मुद्दा, क्योंकि आप मुस्लिमों की बात करते हैं, उनके राइट की बात करते हैं, उनके लिए जो सही है उसकी बात करते हैं, जब ट्रिपल तलाक जैसा मामला सामने आए, कोई ऐसा मुद्दा जिनसे उन लोग उन महिलाएं जो है वो आगे बढ़ पाए, तो क्या राजनीतिक दलों को उस पर भी राजनीति करनी चाहिए, साथ नहीं आना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे थे? मैं तो खाली ये बता रहा हूं कि इन्हीं ने बीजेपी का साथ दिया। सही चीज के लिए साथ देना गलत मैं तो है ये क्या? बता रहा हूं कि इन्हीं ने बजरंग दल पर बैन नहीं लगाया कर्नाटक में। क्या आप इसको कांग्रेस के पास जवाब नहीं है कोई? तलाक वाले मुद्दे पर अगर कांग्रेस और बीजेपी राजनीतिक दल केवल इस मुद्दे से आप तय कर रहे हैं। मैडम मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की साठगांठ इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों ये चाहते हैं कि पूरे देश में हर स्टेट से जो क्षेत्रीय पार्टी खत्म कर दी जाए, उसके बाद में आपस में खेलें। ये 5 साल तुम हुकूमत कर लो, 5 साल हमको दे दो, 5 साल तुम हुकूमत कर लो, 5 साल हमको दे दो। ये आरएसएस की दोनों बेटियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। कभी ये बेटी हुकूमत करेगी, कभी वो बेटी हुकूमत करेगी, कभी ये बेटी हुकूमत करेगी, कभी वो बेटी हुकूमत करेगी। ये एक षड्यंत्र है कांग्रेस का और बीजेपी का, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन ये आपने बढ़िया चाल है आपकी, मतलब कांग्रेस पार्टी आपको बी टीम कहे और आप इनको आरएसएस की ही बेटियां बता दीजिए, ये अच्छा, ये डिफेंड करने का एक अच्छा तरीका है वकार साहब, क्योंकि बार बार सवाल उठता है तो आपने भी अच्छा। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सुनिए सच्चाई, आरोप सच्चाई कहिएगा तो सर सबूत भी दीजिएगा। रेवंता रेड्डी, नहीं रेवंत, सुनिए, अरे मैडम सुन तो लीजिए। रेवंता रेड्डी आरएसएस के प्रचारक, अजय राय उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आरएसएस के प्रचारक, नाना पटोले महाराष्ट्र के अध्यक्ष आरएसएस के प्रचारक, तीन तीन आरएसएस के प्रचारक को आप अपना अध्यक्ष बनाए हुए प्रदेश का, और उस पर से आप कह रहे हैं कि आप आरएसएस के नहीं है, पूरी पार्टी आरएसएस की है। इशारे पे चल रहे हैं मोहन भागवत के। ठीक, डॉली जी जवाब, आप सबूत देश देखेगा आपका। आप कह रही हो इनका सीधा कांग्रेस पर अटैक करना, ये बताता है कि ये घेर किसको रहे हैं। इन्हें यहाँ जो हम बार बार कह रहे हैं कि किस तरीके से रिश्तेदारी निभाई जा रही है, तो अभी तो आप अटैक कर रही थी मुझ पर, इनके स्टेटमेंट बता रहे हैं, नहीं अभी तो आप मुझ पर अटैक कर रही है, अब आप भाग खड़ी हुई, सबूत कोई नहीं है, बस बोलेंगे। अभी तो आप मुझ पर अटैक कर रही थी, एमआईएम पर अटैक कर रही थी, अभी आप असद वैसी साहब पे अटैक कर रही थी, एक मिनट में भाग गई आप। रखूंगी लगातार तेलंगाना में, अगर कोई बीआरएस से लड़ रहा है, बीजेपी को यहाँ है नहीं, अगर कोई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, जनता की बहुत रिपीट में हो गया डॉली जी, जितनी बार मैं आ रही हूँ आप बार बार ये कह रही है कि एक अकेली पार्टी है जो लड़ रहे हैं, अकेली पार्टी है जो लड़ रही है, अकेली पार्टी। मैम ठीक है, कुछ और भी फैक्ट अगर आप रखते हैं तो अच्छा लगता। ठीक है कृषांग जी, कुछ और फैक्ट भी, मतलब तीन बार आप वही चीज बार बार रिपीट। हाँ अर्पिता जी, एक गुजारिश है, हम दक्षिण भारत से है, तेलंगाना से है, हमारा हिंदी दिल्ली वालों के उतना तेज नहीं रहता है, तो कांग्रेस अगर मुझे दबा देंगी तो मैं कुछ बात नहीं कर सकूंगा। हम नेशनल चैनल्स में बहुत कम बैठते हैं क्योंकि हमारे मुद्दे सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, और ये लोग ना एक स्क्रिप्ट लेके आते हैं, उनके कांग्रेस के स्क्रिप्ट लेके आते हैं, वही पढ़ते हैं, हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं होता है मैडम। हम जहां पे केसीआर जिनका अटैचमेंट तेलंगाना के साथ है, हम केसीआर जी तो कह रहे हैं ये कुर्सी का रेस नहीं है, अरे दो बार तो सीएम बन चुके हैं, तेलंगाना हासिल किया है हमने, हमको आप बीजेपी के साथ जोड़ रहे, हमको आप कांग्रेस के साथ जोड़ रहे, अरे हमारे तो 88 सीट्स हमने खुद से जीता है बिना किसी कांग्रेस का या बिना भारतीय जनता पार्टी का। अरे मनमोहन सिंह जी भी जीएसटी के सपोर्टर थे, उन्होंने वोट किया राज्यसभा में, तो कांग्रेस हो जाएगा टीम भी। अरे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आर्टिकल 370 में उनका सपोर्ट था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो भी हो गए टीम भी, बेबुनियाद। अरे वैसा तो हमने यशवंत सिन्हा जी को भी सपोर्ट किया था, तो अगर हम टीम भी थे तो क्यों यशवंत सिन्हा जी के राष्ट्रपति के लिए हम क्यों सपोर्ट करते थे? यहाँ पे इनके पास इश्यूज नहीं है, यहाँ पे आके बेबुनियाद झूठ पे झूठ, राहुल गांधी जी झूठ कहते हैं, अरे कल को राहुल गांधी जी नहीं मिलेंगे, केसीआर जी रहेंगे यहाँ पे। हाँ सबूत पूछ रहे ना, हम बताएंगे सबूत, सभी को मालूम है तेलंगाना में, क्या ये सच नहीं है? रेवंत रेड्डी जी आरएसएस से नहीं है, रेवंत रेड्डी जी एबीवीपी से नहीं है, ये तो सभी को मालूम है तेलंगाना में, शायद दिल्ली के लोगों को मालूम नहीं है, वो आरएसएस में थे, उन्होंने सोनिया जी को बलि देवा था। मैडम सुनिए,
मैडम सुनिए मैडम, कांग्रेस के अध्यक्ष है एक 10 सेकंड दीजिए, एक दस आप सेकंड तो दे दुरुस्त दीजिए कीजिए मुझे, नॉलेज एक दस लगातार सेकंड लड़ दीजिए रहे मुझे। हैं आप लोगों ने कितनी बार अर्पिता अरेस्ट जी कर ठीक है कर डॉली जी लिए ये कंप्लीट कर ले लीजिए उनको, वो कंप्लीट कर लीजिए तेलंगाना ने देखा है जी ठीक है देखिए मुझे कंप्लीट करने दीजिए, जबरदस्ती उन्हें आपने घेरा आप है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उनका कसूर मुझे अभी तो आप कह रही हैं कि आप ही एक अकेली पार्टी हैं जिसको बीआरएस घेर रहा है, अर्पिता जी आप घेर रही हैं, अब वो घेर रहे हैं तो आप कह रहे लीजिए अब हमको घेर दिया तो आपको उसमें भी तकलीफ है, अर्पिता जी तय कर लीजिए ना मैम। अर्पिता जी मुझे 20 सेकंड दे दीजिए मैं बताऊंगा। किसानों के जो लॉज आए थे ना केंद्र सरकार ने लगाए थे, रेवंत रेड्डी जी पार्लियामेंट सेशन में नहीं थे, हमारे एमपीओ ने वहां पे रैली किया, आप निकालिए उसको बाहर। रेवंत रेड्डी जी नरेंद्र मोदी जी वरंगल यहाँ आए थे, रेवंत रेड्डी जी यहाँ पे उन्होंने प्रेस मीट भी नहीं किया, वो तो छुट्टियों पे अमेरिका में थे। परसों निर्मला सीतारमन जी आई थी, निर्मला सीतारमन जी आके स्मार्ट मीटर्स के बारे में उन्होंने बात किया, पर रेवंत रेड्डी जी ने कभी प्रेस मीट नहीं किया। रेवंत रेड्डी जी कभी बीजेपी के खिलाफ लड़ते नहीं है मैडम, रेवंत रेड्डी जी बीजेपी के साथ है बिल्कुल। हम एक ही बात आपको कह रहे हैं, देखिए आपके एजेंडा जो रेवंत रेड्डी जी है ना, आप कृषांक माने जी, माने जी गलत बात मत करिए, फिर से इंटरप्ट मत करिए, मैं बीच में बोलूंगी, आप नेशनल और स्टेट, ये सच है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये आपके झूठों आप चेक करिए ऑन रिकॉर्ड, आप चेक करिए ऑन रिकॉर्ड, मैं बोल रहा हूँ ना कैंपेन नहीं किया है आपने मैडम, आपके रेवंत रेड्डी तो 50 लाख रेड हैंडेड तो पकड़े गए ना, 50 लाख के रुपयों से खरीद खरीद फरोश करते हुए तो पकड़े गए ना, रेड्डी को लोग किस तरीके से देख रहे हैं, रेवंत रेड्डी जी के ऊपर केस है, रेड हैंडेड मीडिया में पकड़े गए 50 रुपयों के साथ, क्या ये सच नहीं है, क्या ये सच नहीं है कि रेवंत रेड्डी जी 50 लाख रुपए के साथ पकड़े गए, क्यों डिपेंड कर रहे हैं चोर को आप, क्यों एक चोर को, अरे स्कैम तो कांग्रेस है, स्कैम ग्रेस, स्कैम ग्रेस, जॉब स्कैम, स्कैम ग्रेस, पेपर लीक, पेपर कैंसिलेशन, कितना बोफोर्स स्कैम, नेशनल हेरिंग स्कैम, 26 पेपर लीक्स इन राजस्थान, यू आर रॉबर्स, यू आर डेकॉइट्स, यू आर डेकॉइट्स ऑफ इंडिया मैडम, आपने प्रोजेक्ट के नाम पे प्रोजेक्ट से पहले ही आपने पैसे ले लिया, अरे देश के बड़े बड़े चोर तो कांग्रेस ने पैदा किया है ना, एक सेकंड डॉली जी, नेशनल हेराल्ड के बारे में मालूम है, बात ये है ना कि ये फिर बहुत लंबी फहरिस्त है, अब भ्रष्टाचार गिनाएंगे तो एक दूसरे पर आरोप मरते रहिए और ये ऐसे ही पूरा पूरे चर्चा का समय ऐसे ही चला जाएगा, आप उन पर गिनाएंगे वो उन पर गिनाएंगे, लेकिन मुझे एक चीज जफर इस्लाम जी मैं बस जल्दी से आ रही हूँ, कृषांक जी से एक मेरा काउंटर सवाल है, कृषांक जी क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि एक साठगांठ है और केसीआर ये चाह रहे हैं कि दिल्ली में मोदी की गवर्नमेंट बनी रहे और मैं यहां पर बना रहा हूं, इस बात पर आपकी टिप्पणी, देखिए पहली तो हमारे सामने तेलंगाना के चुनाव है, दिल्ली किसको किसकी जरूरत है अभी तो हमें मालूम ही नहीं है, हमने बोला है ना हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 2014 में हम थे क्या किसी के साथ, 2018 में हम किसी के साथ थे क्या, अरे राहुल जी ने तो आप भूल रहे इतिहास कि हिमंता बिश्वा शर्मा जी ने जब राजीव गांधी जी और सोनिया गांधी जी के ऊपर गलत टिप्पणी की थी रेवंत रेड्डी से पहले, आपके खुद के पार्टी से पहले खंडन हमारे केसीआर जी ने किया था, उसको कंडेम किया था, ये भूल रहे हैं आप, केसीआर जी के बारे में बात करने के लिए, अरे ये तो देखिए तेलंगाना के लोग ये सब देख रहे हैं, अर्पिता जी तेलंगाना के लोग ये सब देख रहे हैं, मान रहे नहीं है ना, यहाँ पे आके मैं फिर से वही पूछ रहा हूँ, क्यों दौरा नहीं कर रहे बीजेपी के उम्मीदवारों के ऊपर कांग्रेस वाले, क्यों प्रचार नहीं कर रहे राहुल गांधी जी या रेवंत रेड्डी जी, राजा सिंह के पास क्यों नहीं गए गोशमहल, डम्मी कैंडिडेट्स को लगाए वहां पे, पहली बार वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के वाले भी नहीं है, दूर के कॉन्स्टिट्यूएंसी के वालों को वहां पे उम्मीदवार लगाया, इसके ऊपर स्ट्रेट आंसर बताइए आप, जफर इस्लाम जी मैं इस पे डॉली जी के पास आती हूँ इसके बाद, हाँ जफर जी देखिए मैं इतने देर से सुन रहा हूँ, ये भ्रष्टाचारी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वो 70 साल से संरक्षण दे रही है भ्रष्टाचारियों को, उसी इसीलिए मैंने कहा ये तीनों पार्टियां हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करके, जो मैंने कहा भ्रष्टाचार के तीन तीन यार राहुल ओवैसी और केसीआर, इसीलिए मैंने कहा ये तीनों पार्टी बिलबिला के स्पोक्स पर्सन और पार्टियां बिलबिला रही हैं, इसलिए कि सिर्फ एक ही सच छुपा रही है कि तीनों का जो अंदर खाने जो सच्चाई यही है कि तीनों की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इस बार उनको मुंह की खानी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से यहां जीतेगी और अपने खुद के बलबूते पे सरकार बनाएगी और यहां पर यहां के जो, आपको ये नहीं जो लगता हम सफर बहुत बराबर ही लंबा राष्ट्रहित है। में जनहित में मतलब और
और 14 में 5 सीटें थी, 2018 में और घट गई, एक ही बची, इसलिए अब आप प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं, तो एक से इतना लंबा सफर तय कर लीजिएगा क्या? अब 100% यहाँ की जनता तराई तराई कह रही है, 10 साल से केसीआर का करप्शन, उससे पहले 70 साल से कांग्रेस का करप्शन से जो, और उसमें जो मलाई बीच में खाते हैं, जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए ओवैसी साहब, वो तीनों जो मिलकर प्रदेश को लूट लिया है इन लोगों ने, इसलिए जनता चाहती है आप जनता से बात कीजिए, तो कहेगी भाई किसी तरह छुटकारा इन तीनों पार्टियों से, तो इसलिए कि आप ड्राइविंग सीट पर ओवैसी साहब करते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई भी नहीं उन पे होती, बिल्कुल लीजिए, वरना उनके ओवैसी साहब के छोटे भाई इस तरह की बात करें और कोई इन पे कार्रवाई ना हो, वो जिस तरह से आप उनको, मतलब अभी तक तो आपको पीछे बैठाया जा रहा था गाड़ी में, अब तो ड्राइविंग सीट पर पहुंच गए हैं आप। हाँ ठीक है जफर इस्लाम जी, अजीम वकार आप जनता से पूछिए। ठीक, अरे देखिए जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा, मतलब मेहनत करके पीछे से ड्राइविंग सीट पे आ गए आप, कि वो देश में नहीं, कांग्रेस पहले नहीं, मैं बताऊं आपसे, कांग्रेस पहले ये तय कर ले कि देश में वो लड़ किससे रही है। अरे पहले आप ये तय कर लीजिए, सिर्फ आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं कि बीजेपी से लड़ रहे हैं, दूसरी बार आप सिर्फ कांग्रेस का निशाना साध रहे हैं, बंगाल में टीएमसी से लड़ रही है, हैदराबाद में एमआईएम से लड़ रही है, नहीं मैंने कहा ना कि पहले तो ये तय कर ले ये बीजेपी से लड़ना है या अपोजिशन से लड़ना है, पहले तो ये तय कर लीजिए। और मैडम को ये पता नहीं है कि इनके तीन तीन जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आरएसएस के हैं, वो कह रही है सबूत पेश कीजिए। अब ऐसे प्रवक्ता से मैं क्या बात करूंगा जिसको अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में नहीं पता है, सर आज की इनसे क्या बात की जाए, मैडम जानकारी लेके आइए। बात करिए रेवंत रेड्डी, बकार जी आपको एक बात बोलो, आप इसे नकार सकते हैं, रेवंत रेड्डी जी ना, रेवंत रेड्डी जी ने सोनिया जी को बलि देवता का, मैं आपके बारे में बहुत चीजें बोल सकती हूँ लेकिन मैं बोलूंगी नहीं, ये मैंने सीखा नहीं है, मैं यहाँ पार्टी की बात रखने आई हूँ और मैं वही रख रही हूँ, और कांग्रेस पार्टी लगातार तेलंगाना की जनता के मुद्दे उठा रही है और उठाती रहेगी। आपका लगातार कांग्रेस पर अटैक करना, यही तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आप यहाँ किसी से और से नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं, क्योंकि आप हम पे क्यों अटैक कर रहे हैं, एक बात बोलो, अगर आप में इतनी ताकत नहीं है, अगर आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप किसी का अटैक झेल पाए तो आप उस पर अटैक क्यों कर रही हैं? नहीं असीम वकार ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड वकार साहब, डॉली जी एक चीज बताइए ना, देखिए क्योंकि साठगांठ की बात हो रही है, कौन किसके साथ है इसको लेकर सियासत हो रही है, प्रधानमंत्री का एक बयान और याद आ रहा है मुझको जहां वो कह रहे हैं कांग्रेस केसीआर परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतीक है, यानी एक रिश्ता बीआरएस के साथ इस मामले में भी जोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री, रिश्ता क्या कहलाता है? बताइए कौन सा परिवारवाद, अमित शाह जी के बेटे के पास कौन सी ऐसी सिविल सर्विसेज के एग्जाम देकर डिग्री आई है कि वो आज क्रिकेट एसोसिएशन के बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, कौन से एग्जाम पास किए उन्होंने, उनकी स्पीचेस सबने देखी है। परिवारवाद की अगर मैं बात करूंगी, लंबी फेरिस है बीजेपी की, अगर ये कांग्रेस पार्टी की बात करते हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, बात करें ये जफर इनके पास कुछ है ही नहीं, जल्दी से सर तेलंगाना के थोड़ा आपसे भी कृषांग जी जवाब, जल्दी से सर, 17 बार हारने के बावजूद राहुल गांधी को कौन सी ऐसी डिग्री थी जो वहां पर उनको बना के रखा था प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, 17 बार हारे लगातार इलेक्शन, उसके बावजूद एक मिनट बीच में मत बोलिए, बस 17 बार हारने के बाद एक मिनट बीच में मत बोलिए, अरे बीच में मत बोलिए, एक्चुअली एक मिनट बीच में, परिवारवाद इसी को कहते हैं कि हारते रहो फिर भी आप उसके बीच में मत बोलिए, इनको ठीक से ठीक है बकर साहब, बकर साहब नए 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 प्रवक्ता इनको तरीका ही नहीं मालूम है किस तरह से, अरे पुराना हो सबको इनका विनर डॉन कीजिए, ठीक नहीं नहीं सर जफर इस्लाम जी आप कंप्लीट कीजिए। हाँ देखिए मैं बीच में नहीं बोलता उनके, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इनको ही अपनी पार्टी के बारे में मालूम नहीं है, 17 बार इनके जो राहुल गांधी हार गए उसके बावजूद ही लटके हुए थे अभी प्रेसिडेंट बने रहो, वो पूरी दुनिया उनको नकार दी फिर भी बने रहो, ऐसे मूर्खता वाली बात, अलग तरीका यहाँ पर देखने को मिला है, भ्रष्टाचार पर खुद से सवाल पूछो तो दूसरी पार्टी के भ्रष्टाचार गिना दो हम धुल गए, यहाँ परिवारवाद पर खुद पर सवाल पूछो तो दूसरे पर आप आरोप लगा दीजिए और हम खुद घुल गए, तो ये दरअसल राजनीति है जो चलती रहेगी, और 30 तारीख को दरअसल अब यहाँ मतदान करना है, जनता तय करेगी कि आखिरकार किसकी बम होने वाली